फिलिपी मा पौलुस और सिलास। जब साउलल पूरा रोमी साम्राज्य मा यात्रा करिन तो वेल अपड़ू रोमिनो पौलुसों को इस्तेमाल करन शुरू कर दिन। एक दिन पौलुस और वे का दगड़िया सिलास फिलिपी नगर मा यीशु का बारा मा शुभ संदेश सुनाने को गई। उ नगर का भैर गाड़ का छाला एक जगह पर गैनी जख लोग प्रार्थना कनु को कठा छा। उख ऊ लुदियानो की जनन बेटी मिलिन जो एक व्यापारी छे। ओ पिता परमेश्वर की बेटी प्रेम कर दी छे और वे की आराधना कर दी छे। पिता परमेश्वर लुदियाते यीशु का बारा मा संदेश पर विश्वास कनु को मजबूत करी। पौलुस अलर सिलास अल वीते और वी का परिवार ते बपतिस्मा दीन। वील पौलुस और सिलास ते अपना घर ठहरण को न्यूति इले ऊ उख ठहरगिन। पौलुस और सिलास लुखु बटी अक्सर वी जगह पर मिलद छा जख यहूदी लोग प्रार्थना करद छा। रोज जब ऊ उख जांद छा ते एक नौकरियाने नन्नी जो दुष्ट आत्मा का काबू में छे ऊको पीछा कर दी छे। ई दुष्ट आत्मा का द्वारा व लुखु को भविष्य बतान छे। इले वह भविष्य बतान वाली का रूप में अपना स्वामी को बहुत सी धन कमान छे। ऊ की जांदी भगत या नौकरियान नौनी चिलान छे यू आदिम परम प्रधान परमेश्वर को सेवक छ। यू तुम ते उद्धार पाण को बटो बताना छिन। वह हर रोज इन्नी कर दी छे जहाँ बटी पौलुस नाराज होगी। आखिर में एक दिन जब वह नौकरियाणल चिलान शुरू करी तो पौलुस अल वी जने मुड़ के वीत का भीतर की दुष्ट आत्मा को बोली यीशु का नौ से ईम बटी निकल जा। वही भगत वी दुष्ट आत्मा लु वी नौनते छोड़ दीन। वी नौकरियाना का स्वामी बहुत गुस्सा होगी न। ऊ ते मालूम होगी कि बगैर वी दुष्ट आत्मा का व नौकरियाण नौनी लुखों ते भविष्य नहीं बता सकी छे। यहाँ को मतलब छो कि लोग अब वी का स्वामी होते अब पैसा नहीं दियाला कि वह ऊ को भविष्य बताओ कि ऊ का दगड़ी अब क्या होल। इले वी नौकरियाण नौनी का स्वामी पौलुस और सिलास ते रोमी अधिकारियों में ली गए नी। ऊ पौलुस और सिलास ते पीटी और फिर ऊ ते जेलखाना में डाल दीन। ऊ पौलुस और सिलास ते जेलखाना का इन हिस्सा में रखी जग सबसे ज्यादा सिपाही छा। इक तक कि ऊ का खुटों ते लकड़ा का बड़ा टुकड़ों में जकड़ दीन। पर पौलुस और सिलास अधराती का भगत पिता परमेश्वर की स्तुति का गीत गाना छा। तब अचानक से एक बड़ो भूकंप हुए। जेलखाना का सारा द्वार खुल गिन और सारा बंदियों का संगला खुल के गिर गिन। तब जेलखाना को दरोगा जागे वेल देखी कि जेलखाना का द्वार खुलिया छन। वेल सोची कि सारा बंदी बच के भाग गिन। उ डर गई कि ऊ का भागी जान से रोमी अधिकारी वे ते मार दियाल। इले वो अपते मरण को तैयार वे गई। पर पौलुस वे ते देखी के चिल्लाई रुक जा अपते नुकसान नहीं पहुँचाओ हम सभी एक ही छा। वे दरोगल कांपी के पौलुस और सिलास में आ के पूछी उद्धार पाण को मी क्या कौर। पौलुस अल जवाब दीन प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरो घराना उद्धार पाल। तब दरोगा पौलुस और सिलास ते अपना घर ली गए और ऊका खुटों ते धोण लग गए। पौलुस अल वे का घर का सभी लोगों ते यीशु का बारा में शुभ संदेश सुने। दरोगा और वे का पूरा परिवार अल यीशु पर विश्वास करी। इले पौलुस और सिलास अल ऊते बपतिस्मा दीन। तब दरोगल पौलुस और सिलास ते खानो खिले और ओ कट्ठा होके खुश हुए। है का दिन नगर का अगवोल पौलुस और सिलास ते जेलखाना बटी आजाद कर दीन और फिलिपी बटी चली जानो को बोल। पौलुस और सिलास लुदिया और कुछ है का दगड़ियों बटी मिलिन और वे का बाद नगर बटी निकलियन। यीशु का बारा मा शुभ संदेश फैल दी गई और मंडली बढ़ दी गई। पौलुस और है का मसीह अगवोल बहुत सी नगरों की यात्रा करी। ऊ लुखों ते यीशु का बारा मा शुभ संदेश सुनाई। ऊल मंडलियों का विश्वासियों ते उत्साहित कन और शिक्षा देने को बहुत सी चिट्ठी भी लिखिन। या मबटी कुछ चिट्ठी बाइबल की किताब भी बन गिन। प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 11 से 40 बटी एक बाइबल की कथा।